आपको कोशिका के बारे में पार्ट वन मिल चुका है और ये है आपका पार्ट टू। इसके अंदर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा आपको लिखना है, क्योंकि लिखने से ही आपको चीज़ें क्या होंगी याद होंगी और याद करने से ही आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। ये चैप्टर पूरी साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए एक एक लाइन को समझो, इसी से सारे क्वेश्चंस आपके इस कोशिका वाले चैप्टर के क्लियर होंगे। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारी बातें। जितने डायग्राम्स वगैरह हैं वो मैं सारा आपको पहले बता चुका हूँ, अब जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ दोबारा बताऊँगा। ये आपको सीधे उतारने हैं आपकी कॉपी में, लाइन टू लाइन मुझे आपकी कॉपी में ये उतरे हुए मिलने चाहिए, क्योंकि मैं चेक करूँगा क्लास में कॉपी आपकी। देखो टॉपिक है हमारा कोशिका। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वे कार्य कोशिका के स्तर पर ही होते हैं। तो इसमें से आपको जो शब्द याद करना है वो रखना है आपको संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी कोशिका हमारे शरीर की क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। तो ये रुडोल्फ विर्चौर ने समझाया था कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उनका जो विभाजन होता है पहले की कोशिकाओं से, पहले की कोशिकाओं में विभाजन होता है तो नई कोशिकाएं बनती है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। प्रत्येक जीवधारी अपनी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं एवं पारस्परिक संबंध के कारण ही जीवित रह पाता है, यानी कि हमारी कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं एवं पारस्परिक जो संबंध होते हैं क्रियाओं में उनके कारण ही हम क्या है जीवित हैं। उपरोक्त सभी बिंदुओं को कोशिका सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत आपको पता है कि टी स्वान और एम आपके स्वीडन स्लाइडन इन्होंने दिए थे आपके 1838 और 1800 आपके 39 में। अब है आपके नेक्स्ट जो है इसमें कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या है। वायरस जो कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वायरॉयड ये नहीं चलता और प्रियॉन्स ये भी नहीं चलते। अब ये क्या है इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब है आपके कि कोशिका संरचना, कोशिका की संरचना है जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। देखो पादप कोशिका की संरचना है तो सबसे पहले बाहरी जो स्तर होता है इसे कहते हैं कोशिका भित्ति सेल वॉल, ठीक है। फिर है आपके कि अंदर प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ये बाहरी है आपके बाहरी संगठन। फिर अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली को अंग्रेजी में बोलते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं इन सबको मिला के क्या बोलते हैं कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स। और अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है आपके केंद्रक न्यूक्लियस। तो ये तो हुई पादप कोशिका। अब है आपके जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं जो कि बड़ा भी हो सकता है, ये होते हैं आपके वैक्यूल रिक्तिका, प्लाज्मा झिल्ली आपके वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव और कोशिकांग जितने भी होते हैं ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये आपकी हुई जंतु कोशिका। तो इसमें भी केंद्रक केंद्रक केंद्र ये क्या होते हैं आपके गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम। अब है कि जो सेल वॉल है जो जंतु कोशिका में पाई जाती है सेल वॉल, प्लांट सेल का फीचर है ओनली, जैसे कि मशरूम कवक जीवाणु कोशिका भित्ति जीवाणु में भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर पादपों की पहचान की जाती है। सभी पादपों में कोशिका भित्ति आवश्यक रूप से पाई जाती है। पत्तो ये कोशिका भित्ति केवल किसका फीचर है आपके पादप कोशिका का, युग्लिना यानी आपके युग्लिना जो है आपके
वो आपके इस धरती पे ऐसा जीव है ये योगलीना कि इसको पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है युगलीना में। ये युगलीना क्या करता है कि स्वपोषी की तरह भोजन बनाता है खुद का। तो स्वपोषी की तरह भोजन बनाता है तो ये क्या प्रकाश संश्लेषण करता है। कभी कभार ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता और सूक्ष्म जीवों को क्या करता है खाने लगता है। तो सूक्ष्म जीवों को खाने की भी क्षमता है। तो आपको बताया कि फिर ये किसकी तरह व्यवहार करता है, विषमपोषी की तरह। तो विषमपोषी ज़्यादातर कौन होते हैं, जंतु, और स्वपोषी कौन होते हैं, पादप। तो एक ही जीव है युगलीना जिसके अंदर पादप के भी करैक्टर हैं और जंतु के भी करैक्टर हैं, तो इसे पादप और जंतुओं के बीच की क्या कहते हैं, कड़ी। कीट बक्सी पौधे जो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले के वीडियोज में, नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों को खाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के अंदर नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। तो वहाँ पे कीट बक्सी पौधे क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अब कोशिका की संरचना के अंदर हम देखते हैं कि बाह्य आवरण में कौन है, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली। जैसे ये कोशिका है और इस कोशिका के बाहर ये जो परत है आपके मोटी सी, ये क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी। तो बाहर से जो आवरण है वो दो प्रकार का, एक तो किसका है, कोशिका भित्ति का, अंदर वाला आवरण किसका है, आपके प्लाज्मा झिल्ली का। फिर कोशिका द्रव के अंदर क्या है, सारे सारे कोशिकांग है जिनको हम पढ़ेंगे, और अंदर क्या है आपके केंद्रक। ठीक, अब कोशिका भित्ति मैंने आपको बताया कि निर्जीव होती है, पूर्ण पारगम्य होती है, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ये निर्जीव संरचना है। कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य है यानी फ्रीली परमिएबल है, और रासायनिक संगठन यानी कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, तो ज़्यादातर ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की आपके, ये किस किस की बनी होती है आपके, सेलुलोज की। इसके अलावा आपके ये काइटिन की बनी होती है, इसके अलावा आपके पेप्टिडो ग्लाइकोल की बनी होती है, यानी कि कवक के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। शैवाल के अंदर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सामान्यतः पादपों में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और कवक के अंदर किसकी बनी होती है, काइटिन की, और जीवाणु के अंदर ये बनी होती है किसकी, पेप्टिडो ग्लाइकोल की, पेप्टिडो ग्लाइकोल की, ग्लाइकन या ग्लाइकोन। तो ये आपको याद रखना है, या फिर इसको म्यूरामिक एसिड भी मानते हैं, म्यूरामिक एसिड भी जीवाणु की कोशिका भित्ति को बनाता है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति ज़्यादातर किसकी बनी होती है, मृत पदार्थ यानी निर्जीव चीज़ों की, सेलुलोज की, सेलुलोज की, सामान्य पादपों में शैवालों में सेलुलोज की, कवक में किसकी, काइटिन की, जीवाणु में किसकी होती है आपके, पेप्टिडो ग्लाइकन की या म्यूरामिक अम्ल की। जीवाणु में दो तरीके से, एक तो है आपके ग्लाइकन ग्लाइकोन या, और दूसरी होते हैं आपके म्यूरामिक अम्ल। तो दो चीज़ों की ये बनी होती है, किसमें, बैक्टीरिया में। तो याद रखना ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। फिर है आपके कि सेलुलोज इस पूरी पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक या जैविक पदार्थ है, यानी कि सेलुलोज इस धरती पे पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ है, कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। निश्चित आकार और कड़ापन, कोशिका भित्ति पादप कोशिका को एक निश्चित आकार और कड़ापन का मतलब मजबूती प्रदान करती है। सामान्य पादपों की कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ साथ हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, लिग्निन, आपके रेनिन, ये सारी चीज़ पाई जाती है। जैसे देखो ये दो कोशिकाएँ हैं, एक ये वाली कोशिका, एक ये वाली कोशिका, और बाहर क्या आपके ये कोशिका भित्ति बनी हुई है। तो इसके बीच में भी ये किसका काम करता है, आपके सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है, कौन, आपके पैक्टीन। तो फलों को पकाने यानी जब फल पकते हैं
तो ये क्या होता है, मुलायम हो जाता है पेक्टिन और लिग्निन वगैरह में चेंज हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि ये फल पकने के बाद में पेड़ से टूट जाता है। तो ज़्यादातर ये सारे के सारे, ये जितने भी नाम आप पढ़ रहे हो, ये कौन से पदार्थ हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, काइटीन, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, राइबोज, आपके फ्रक्टोज, ये सब के सब क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट है। फलों को यानी कि फलों के पकने के दौरान पैक्टीन पाचित हो जाता है, यानी कि ये जो बीच में जो कोशिकाओं के बीच में जो दीवार है पैक्टीन की, ये क्या होती है? गल जाती है, पच जाती है। पच कर किस में कन्वर्ट हो जाती है? शर्करा में, यानी कि फ्रक्टोज में जो अंगूर में पाया जाता है, का निर्माण करता है। और इससे फलों का स्वाद कैसा हो जाता है? प्राय मीठा। और फल कैसे हो जाते हैं? मुलायम। तो आपको याद रखना है कि फल के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि ये कोशिकाएं हैं सबके सब फलों के अंदर, जैसे सपोज करो एक ये कोशिका है फल के अंदर, एक ये कोशिका है, इसके बीच में दो कोशिकाओं के बीच में ये पेक्टीन है, और ये कैसा एजेंट है? सीमेंटिंग एजेंट है, जैसे कोई सीमेंट की दीवार बना दी हो। अब धीरे धीरे जैसे जैसे फल पकने लगेगा तो ये जो पेक्टीन है ये पच जाएगा, तो ये कन्वर्ट होगा इस तरीके से, ये पास पास आएंगे तो शर्करा बनेगी, फ्रक्टोज का निर्माण होगा। और फ्रक्टोज खाने में स्वाद में कैसी लगती है आपकी? मीठी लगती है और मुलायम हो जाता है आपका फल। सेलुलोज का उपयोग कागज़ बनाने में, कपड़ा उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में, और कपास का शुद्धतम सेलुलोज, यानी कपास का कैसा रूप है? सेलुलोज शुद्धतम। पैक्टीन का प्रयोग जैम बनाने में, जेली बनाने में और आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कपास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। और आपके जैम आपने खाया हो, जेली खाई हो, अचार जैसे डिब्बे में आते हैं ये, और आइसक्रीम तो सबने खाई है, तो इनका निर्माण किससे होता है? आपके पैक्टीन से। फिर है आपके कोशिका भित्ति, यानी कि पहला अंग खत्म जो बाहरी आवरण का, दूसरा अंग है आपके प्लाज्मा झिल्ली। ये निर्जीव नहीं होती, ये कैसे होती है? सजीव। और ये पूर्णतः पारगम्य नहीं होती, यानी कि पूरी तरीके से पारगम्य नहीं होगी, ये कैसे होगी? चयनात्मक पारगम, यानी अर्ध पारगम, कुछ चीज़ों को बाहर निकालेगी, कुछ को अंदर लेगी। सबको बाहर निकाला और सबको अंदर निकालना, इसका बस की बात नहीं। तो ये बनी किसकी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की। तो ये एक सजीव संरचना है, इसमें चुनाव करने की विशेषता होती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि चयनात्मक पारगम या अर्धपारगम झिल्ली है। इसका रासायनिक संगठन या संरचना कैसे होती है कि लिपिड और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। जबकि वो सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है आपको पता है, वो सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, काइटीन, इन सब चीज़ों की। ठीक है, जैसे दे भी रखा है यहाँ पे सब चीज़ों को कि सेलुलोज की, सामान्य पादप में, शैवाल में भी सेलुलोज की, कवक में काइटीन की, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकोल या म्यूरामिक अम्ल की। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी, वो किसकी बनी है? आपके लिपिड की और प्रोटीन की बनी है। ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। और लिपिड लिक्विड फैट के रूप में पाया जाता है। लिपिड, लिक्विड का मतलब द्रवीय वसा के रूप में, जैसे वैसलीन एक वसा है आपके। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसी के आधार पर दिया जाता है। फिर है आपके कि प्रोटीन बीच में आपके क्या है? लिपिड्स की बाई लेयर है, बाई का मतलब दो लेयर, बाई एन दो। तो ऊपर प्रोटीन है, नीचे प्रोटीन है, और बीच में ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? लिपिड है। तो ये देखिए आप, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, जैसे कि ये आपके प्रोटीन, ये आपके प्रोटीन, और बीच में ये भी आपके प्रोटीन फंसी हुई है, और बीच में ये क्या है? लिपिड्स के हैं। ये जो इस तरीके से संरचना है ये किसकी है? लिपिड्स की। तो बीच में ये लिपिड्स है, ये वाला पूरा पार्ट लिपिड है, ये पूरा लिपिड है, ये भी लिपिड है, और ये बाहर वाला पार्ट क्या है आपके? ये प्रोटीन है। ठीक, तो लिपिड बाई लेयर, और बाहर पे आपको देख रहे हो ये कुछ पार्ट्स आपके, जैसे ये देख रहे हैं फास्फो, तो कार्बोहाइड्रेट के भी हैं यहाँ पे। तो फ्लूड मोज़ेक मॉडल, यानी कि प्रोटीन इन फ्लूड के बीच में घूम रही है। तो प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन की संरचनाएँ आर पार भी पाई जाती है, जैसे कि ये जो संरचना मैंने बनाई है, ये देखो, ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली का मात्र इतना सा पार्ट मैंने काट के देखा तो मुझे इतनी बड़ी संरचना दिखाई दी ये इतने से पार्ट में,
ये पार्ट का बड़ा रूप है, ये जो मैं पेन चला रहा हूँ अभी आपके, इतने से पार्ट का ये बहुत बड़ा रूप दिख रहा है। तो इसमें देखो क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन की संरचना होती है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ठीक है, और संरचना आर पार दिखा देती है, ये आर पार है, देखो इस तरीके से होगी आर पार, इस तरीके से, जो विशिष्ट आयन और जल के आदान प्रदान के लिए पंप तथा चैनल का निर्माण करती है। कौन करती है? प्रोटीन, जो आर पार पाई जाती है। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली बनी किसकी होती है, अभी हमने पढ़ा प्रोटीन की और किसकी, लिपिड की। तो ये जो प्रोटीन है ये किसका काम कर रही है, एक तो पंप का काम कर रही है, पंप का मतलब इस तरीके से कोई पंप होता है जिसमें होके कोई वस्तु इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से वापस जा रही है, और इसी तरीके से ये कोई चैनल का भी काम कर रही है कि ये चैनल है। अब जैसे सपोज करो कि 180 डिग्री का चैनल है, अब क्या हुआ कि इस चैनल में इस ये प्लाज्मा झिल्ली है आपकी, ठीक है, अब यहाँ पे कोई अणु जुड़ा और एक अणु हमने जोड़ दिया इस तरफ से, अब ये प्लाज्मा झिल्ली का भाग है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा ऐसे, तो ये जो भाग है ये तो चले जाएगा बाहर और ये भाग कहाँ जाएगा, अंदर। तो ये किसका काम कर रहा है, आपके चैनल का काम कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से कोई चीज़ अंदर आ रही है। तो प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन की संरचना आर पार पाई जाती है जो हम देख रहे हैं ये वाली, और जो विशिष्ट आयन और जल के आदान प्रदान के लिए पंप का कार्य करती है एवं चैनल का कार्य या चैनल का निर्माण करती है। फिर है आपके कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, जो आज मैंने आपको समझाया था डिफ्यूजन या विसरण, घोला हुआ पदार्थ, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन में, एक तो होता है आपके सॉल्वेंट जिसमें चीज़ों को घोला जाता है, तो वो है आपके जल, और एक होता है सॉल्यूट जिस पदार्थ को घोला जाता है, जैसे ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को, या आपके नमक को, NaCl को। तो ये क्या हुए आपके सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब इसको हिंदी में भी मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे कि इसको तो बोलते हैं क्या, विलायक, सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, विलायक, और सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, विलेय। ये आपके पहले और दूसरे चैप्टर में भी दे रखा है जो अभी हम पढ़ेंगे। अब विसरण के लिए झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि विसरण जब भी होगा वहाँ पे झिल्ली की आवश्यकता नहीं होगी, या पदार्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर अपने आप ही पदार्थ चला जाएगा। लेकिन परासरण ऑस्मोसिस में घोलक, जो घोलने के लिए जो पदार्थ है वो आपके कौन है, ब्लैक, आपके जल है। तो यहाँ पे जल, अब देखो यहाँ पे 100 ml NaCl है और जल यहाँ पे कितना है, 1 लीटर है, यहाँ पे भी जल 1 लीटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे NaCl कितना है, 50 ग्राम है, और यहाँ पे कितना ग्राम है आपके, 100 ग्राम है। तो यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से इधर जाएगा इस तरीके से। तो ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, तो हाइपर से हाइपोटॉनिक यानी कि निम्न सांद्रता की ओर सॉल्यूशन जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ भी लो और देख भी लो, देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो दो चीज़ें समझा रखी हैं आपको, कि ये कोई पात्र है और इस पात्र में एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन से अगर हम देखें तो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से यहाँ पे जो 100 ग्राम NaCl है वो क्या होगा कि ज़्यादा है, तो ये जो सॉल्यूशन ये होगा अति सांद्र, यानी कि यहाँ पे सांद्रता ज़्यादा है, तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे 50 ग्राम है तो यहाँ पे क्या होगा, निम्न सांद्र, यहाँ पे सांद्रता कम है, तो सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ जाएगा इस तरीके से, ऐसे मूव ऑन करेगा आपके, यानी ए से बी की ओर जाएगा। तो NaCl यहाँ ज़्यादा है और पानी यहाँ पे कम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विसरण, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके, परासरण, वही चीज़ है। तो परासरण झिल्ली के माध्यम से होता है और विसरण बिना झिल्ली के होता है, ठीक है। अब जैसे कि पहली ये कोशिका है, अगर कोशिका से पानी बाहर जा रहा है इस तरीके से, तो कोशिका धीरे धीरे क्या होगी, मर जाएगी, डेड हो जाएगी, मृत, ठीक है। जैसे कि ये कोशिका है, लगातार पानी बाहर जा रहा है, तो जीव द्रव क्या हो गया, संकुचन हो गया, ऐसे जीव द्रव इकट्ठा हो गया और ये कोशिका क्या होगी, आपकी डेड होगी। तो इस क्रिया को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस।
जब किसी कोशिका को अति सांद्र घोल में रखा जाता है, अति सांद्र घोल का मतलब इस टाइप के घोल में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो परासरण के द्वारा कोशिका से जल बाहर आ जाता है। अत्यधिक मात्रा में जल के बाहर जाने के कारण निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि पानी की क्या हो जाती है, कोशिका में कमी हो जाती है। और इस अवस्था को हम कहते हैं क्या, कोशिका की मृत्यु, क्योंकि इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। कोशिका से पानी बाहर निकाल दिया, निर्जलीकरण हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस होगा। अब इसको समझाने के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो ये पूरा का पूरा कोई समुद्र है, इस समुद्र के अंदर पानी भरा हुआ है अलग अलग मिनरल्स के साथ, बहुत सारे मिनरल्स के साथ इसमें पानी भरा हुआ है। अब आपका क्या हो रहा है कि आप इन मिनरल्स की सहायता से, अब इस समुद्र के अंदर आप क्या अपनी नाव चला रहे हो, और आप जिस नाव में चल रहे हो, जो आपकी बोट है नाव, उसमें आपके पास पीने का पानी है, और वो अचानक क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब इस समुद्र के अंदर क्या है कि पानी तो खूब है, इस समुद्र के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा है इस पूरे समुद्र में, लेकिन पानी के साथ साथ इस समुद्र के अंदर और क्या चीज़ें हैं आपके, कि मिनरल्स भी बहुत है, यानी कि खनिज पदार्थ बहुत है। यानी कि NaCl जो 100 ml या 100 ग्राम हमने बताया, उसके आधार पर हमने जो सॉल्यूशन बताया वो कैसा बताया, अति सांद्र। तो ये सॉल्यूशन भी कैसा है आपका, अति सांद्र है। अब आपका पानी हो गया ख़त्म, आप यात्रा कर रहे हो समुद्र की, यहाँ से यहाँ जाना है। अब आपने क्या किया, क्यों ना इस समुद्र से पानी लिया जाए, आपने पानी लिया और पानी को पीने लगे। अब आपको पता है आपने पानी नहीं लिया, आपने क्या लिया, अति सांद्र बिलियन लिया, जबकि आपके जो शरीर है, आपका जो शरीर है उसमें जो बिलियन है वो है कैसा, आपके निम्न सांद्र। निम्न सांद्र का मतलब, यानी आपके अंदर पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, आपके अंदर पानी ज़्यादा है, और यहाँ पानी क्या है, लवणों की तुलना में पानी कम है। तो आपने पानी पिया या फिर खनिज पदार्थ पीने लग गए आप, धीरे धीरे ये खनिज पदार्थ क्या करेंगे, आपके शरीर में पहुंचने लगेंगे, और जो आपकी पानी की जो मात्रा है वो होने लगेगी कम, और इन खनिज पदार्थों की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए समुद्र का पानी हमारे पीने के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वो साल्टी पानी है। साल्टी का मतलब आपके लवणीय पानी है, यानी कि लवणों की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आपने पानी पिया, आप सोचे मेरी प्यास बुझ गई, पर ऐसा नहीं होगा। आप बार बार पानी पीते रहोगे लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि आप क्या पी रहे हो, एक्चुअल में खनिज पदार्थों को ले रहे हो। तो इस तरीके से होता है आपके ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया आपके हाइपोटोनिक, जिसमें पानी की मात्रा जो विलेय पदार्थ है उससे ज़्यादा है, और एक ये हो गया कि पानी की मात्रा विलेय पदार्थ से क्या हुई आपके कम, यानी कि आपका बिलियन कैसा हुआ, अति सांद्र, और यहाँ पे बिलियन कैसा हुआ आपके, निम्न सांद्र। अब है आपके प्लाज्मोलाइसिस, मैंने आपको समझाई दिया कि अगर लगातार कोशिका से बाहर पानी जाएगा तो कोशिका की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, डेड हो जाएगी कोशिका की, इस क्रिया को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। फिर है आपके कि प्लाज्मोलाइसिस खाद्य पदार्थों का क्या करता है, संरक्षण करता है। प्लाज्मोलाइसिस खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कार्य करता है। कई डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को अति सांद्र नमक या चीनी के घोल में डुबो के रखा जाता है। जैसे आपने रसगुल्ला देखा है, जो रसगुल्ला होता है, या फिर कुछ ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जिनको चीनी के घोल में ही डुबो के रखा जाता है। क्यों,
क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि अगर सपोज करो कि उनको बाहर छोड़ा जाए तो उनमें क्या होगा कि पानी आएगा, और हम चाहते नहीं कि हमारे रसगुल्ले के अंदर पानी, नमी, आर्द्रता कहीं से आए। तो अति सांद्र घोल जीवाणु और कवकों को प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा क्या करता है, नष्ट कर देता है। यदि हमारा रसगुल्ला है इस पर अगर कोई जीवाणु बैठ गया या कोई कवक बैठ गया तो हमारा रसगुल्ला क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थों का विघटन नहीं होगा। किस क्रिया के द्वारा? प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा। तो प्लाज्मोलाइसिस हम हमारी आवश्यकता के अनुसार करवाते हैं। किससे संरक्षण प्रदान करते हैं? हमारी खाद्य वस्तुओं को जीवाणु से और कवकों से। ठीक, अब है आपका कोशिका द्रव। टॉपिक है आपके कोशिका द्रव, कोशिकांग। तो ये आपको पता है कि आपकी केंद्रक और आपकी प्लाज्मा झिल्ली, इन दोनों के बीच में जो लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है उसे कहते हैं कोशिका द्रव, या फिर इसे जीव द्रव। तो कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, यानी कि कोशिका अंदर जो भी पानी भरा हुआ है, जो भी द्रव भरा हुआ है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? जीव द्रव। तो कोशिका द्रव के अंदर जीव द्रव, अगर आप देख रहे हो कि कोशिका द्रव जो है उसमें जीव द्रव में से अगर केंद्रक द्रव को माइनस कर दें तो क्या बचेगा आपके? कोशिका द्रव। तो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा इज द फिजिकल, प्रोटोप्लाज्मा इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या है? आपका जीव द्रव है। जेई पुरपुंजे ने ये कहा था। कोशिका द्रव, कोशिकांग इसमें डूबे रहते हैं। तो किस किस प्रकार के कोशिकांग है? दोहरी झिल्ली युक्त, यानी कि दो झिल्लियाँ इस तरीके से, वो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और आपके प्लास्टिड। एकल झिल्ली युक्त, केवल एक ही झिल्ली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक आपके SER और एक होती है आपके RER। गोल्जी बॉडी और आपके लाइसोसोम। फिर जो झिल्ली नहीं पाई जाती वो है आपके राइबोसोम और आपके सेंट्रोसोम और आपके तारका है। ये ऐसे अंग हैं कि इन पर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। अब सबसे पहला कोशिका अंग आ गया है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका जिसे हिंदी में कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त क्यों? क्योंकि खुद का क्या है इसका? DNA, यानी कि अपना निर्माण खुद कर सकता है। ये स्वयं की प्रोटीन का भी निर्माण करता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया को। कार्य क्या है इसका? कि यह खाद्य पदार्थों को तोड़कर, यानी कि खाने की चीज़ें जो मैंने क्लास में समझाई थी आपको, C6H12O6 को ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ के ऊर्जा प्राप्त कराता है। हमें क्या मिलती है? ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ATP। तो यह खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति कराता है। यह कोशिकीय श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करवाता है। इसमें ATP यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का निर्माण होता है, जो ऊर्जा वह रूप है जिसे हमारी कोशिकाएं प्रयोग में ला सकती है। इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि यूजेबल एनर्जी भी कहते हैं। किसे? ATP को। हमारी कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में क्या चाहिए? ATP चाहिए। तो ATP हमारी कोशिका की क्या है? ऊर्जा मुद्रा। जैसे बाजार को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। उसी तरीके से हमारी कोशिका को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? ATP एनर्जी के लिए। फिर इसकी संरचना कैसी होती है? इसके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त है। तो ये इसकी बाहरी आवरण और ये इसका आंतरिक आवरण, दो प्रकार की झिल्लियाँ। फिर अंदर भरा होता है इसमें, ये लिक्विड फॉर्म में भरा होता है मैट्रिक्स। और ये जो इस तरीके से जो घुमाव है इस तरीके से, ये इनको बोलते हैं आपके क्रस्टी। और ये है आपके ऑक्सीसोम्स। फिर ये अंदर भरे होते हैं आपके राइबोसोम और ये है आपका mDNA। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग अंतः सहजीविता के आधार पर उत्पत्ति, यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था अपने आप में एक बैक्टीरिया था ये पहले।
खुद क्या था पहले, ये बैक्टीरिया के जैसे जीवन जीता था। तो जब कोशिकाओं के सारे अंग अलग अलग पड़े हुए थे, क्योंकि सबसे पहले तो एक अच्छी कोशिका तो बनी नहीं थी, जितने भी अंग थे अलग अलग बने हुए थे, तो कोशिका की अंग क्या है एक जगह आए, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, हरित लवक आ गया, सब ने एक ही जगह आके और एक अच्छी कोशिका का निर्माण किया। तो इसलिए कहते हैं कि अंतः सहजीविता के आधार पे, तो इसने कहा कि भाई तुम मुझे ग्लूकोज दे दो सीधा सीधा बना के, और मैं बदले में एनर्जी दे दूंगा और इसी कोशिका के अंदर रहूंगा। तो सूत्र कणिका के अपने डीएनए होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के अपने डीएनए होते हैं, जिससे ये कई प्रकार की प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर लेता है। बाकी प्रोटीन केंद्रक के निर्देशानुसार कोशिका द्रव में बनते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया को भी प्राप्त होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अब स्वयं का डीएनए है, तो स्वयं की प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो ये अर्धस्वायत्त अंग है। जबकि ऐसी सुविधा खुद का डीएनए किसी भी कोशिका अंग, एक हरित लवक यानी प्लास्टिड को छोड़ दो, उसके अलावा खुद का डीएनए किसी का भी नहीं है, जितने भी कोशिका अंग है। अर्धस्वायत्त कोशिका अंग खुद के डीएनए होने की वजह से इसको कहते हैं। फिर एमडीएनए में 37 जीन पाए जाते हैं इसके डीएनए में, जो कि कई प्रकार के आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करता है, और इसमें आई खराबी से आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं। ये आपके कुछ टर्म्स हैं जो आपके काम के नहीं है। फिर है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के तुलनात्मक अध्ययन को डीएनए आपके बारकोडिंग कहते हैं, जैसे दो या दो से अधिक जीवों के बीच परस्पर आनुवंशिक संबंधों का निर्धारण किया जा सकता है। डीएनए आपके बारकोडिंग, डीएनए बारकोडिंग के द्वारा प्राचीन काल में हुए विस्थापन को समझा जा सकता है। कोश के श्वसन के लिए तथा एटीपी के संश्लेषण के लिए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर उपलब्ध होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। F1 कण लगे होते हैं आंतरिक झिल्ली पे, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आंतरिक झिल्ली है इस पे ये जो कण है इसको बोलते हैं F1 कण। तो इसकी मैट्रिक्स के अंदर एक चक्र चलता है जिसका नाम होता है क्रेब चक्र, और क्रेब चक्र से ATP अच्छे से बनती है आपकी। फिर है आपका दूसरा कोशिका अंग है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड हमेशा याद रखना, केवल ओनली किस में पाया जाएगा, ओनली इन प्लांट्स, पादपों में। तो प्लास्टिड के लिए भी बात करें तो ये क्या है, एक पिगमेंट है, लवण है, यानी कि एक लवक है ये, यानी हरित लवक, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन होता है ये क्लोरोफिल, पर्ण हरित से बोलते हैं, और ये पत्तियों में पाया जाता है। फिर आपकी वर्णीय लवक जैसे क्रोमोप्लास्ट, येलो और ऑरेंज और रेड, येलो आपके जेंटोफिल, और आपके ऑरेंज और रेड के लिए आपके कैरोटीन। फिर अवर्णीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता, तो ये होता है आपका कलरलेस वाइट, ठीक है, तो वो भी आपको बता रखा है। अब जैसे कैरोटीन है, ये चेंज हो जाता है विटामिन ए में आपके कैरोटीन, तो इसमें तो कोई पिगमेंट पाया नहीं जाता। फिर है आपके हरित लवक, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हरित लवकों का कार्य क्या, प्रकाश संश्लेषण। वर्णीय लवक ये फलों एवं फूलों को विशिष्ट रंग प्रदान करता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक भूमिका निभाता है। तो फल फूलों को विशिष्ट रंग, फोटोसिंथेसिस करना, ये सब किसका काम है, आपके वर्णीय लवकों का काम है। फिर है आपके अवर्णीय लवक, इनको बोलते हैं आपके कंजप्शन ऑफ स्टार्च। अब देखो ये प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं आ रहे, ना ही कोई रंग दे रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, बोले भाई हम कोई काम नहीं करते, लेकिन तुम जो भी बनाओगे उसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये स्टार्च का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, तथा विशेष रूप में जड़ों एवं भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। जैसे गाजर है, गाजर होती तो भूमि में है पर क्या है, एक जड़ है। इसी तरीके से आलू है, अब आलू होता तो भूमि में पर क्या है, एक तना है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। तो स्टार्च का भंडारण कौन करते हैं, आपके अवर्णीय लवक, स्टार्च का भंडारण। लवक के एक दूसरे यानी लवक एक से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो सकते हैं, मक्का, गेहूं, आलू आदि में कैसे लवक पाए जाते हैं, अवर्णीय लवक पाए जाते हैं, ये किसका भंडारण करते हैं, स्टार्च का।
अब है आपके कि पर्ण हरित में कौन सी धातु पाई जाती है, या हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है या क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। कैरोटीन या फिर इसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन, ये मानव के यकृत में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है। यानी कि आपने अगर कैरोटीन खाई, यानी कि गाजर में मिलता है, तो कैरोटीन मिलता है गाजर में, पर गाजर को जैसे आप खाते हो तो वो यकृत में जाती है और वहाँ पहुँच के वो किस में बदल जाती है आपकी गाजर, विटामिन ए में। ठीक है, तो कैरोटीन आपके ये लीवर में जाके किस में बदलती है, विटामिन ए में। और विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। तो लवक सामान्य पादप और शैवालों में पाए जाते हैं और ये कोशिका के सबसे बड़े अंग हैं। लवक हमारी पूरी कोशिका के कैसे अंग है, सबसे बड़े अंग है अंग है। फिर है कि लवक की संरचना, तो दोहरी झिल्ली युक्त है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आंतरिक और बाह्य है। फिर आपको वही है रंजक, ये देख रहे हो आप, इसमें एक तो होता है आपके ग्रेना, जो एक को बोलते हैं हम इसको ग्रेना, और ये पूरा जो स्टेक होता है इस तरीके से ग्रेना थाइलोकॉइड, ये पूरा एक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं आपके थाइलोकॉइड। और जो द्रव रूप में पाया जाता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब ये ग्रेना थाइलोकॉइड स्ट्रोमा ये क्या होती है, देखो ये तो है एक ग्रेना और इसके ऊपर इस तरीके से स्टैक, जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, तो इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड आपके, इस पूरी संरचना को ग्रेना थाइलाकॉइड। और एक को निकालने इस तरीके से तो इसको बोलते हैं आपके ग्रेना, और इन दोनों को बीच में इस तरीके से जोड़ने वाली को बोलते हैं ग्रेनम। और जो द्रव भरा हुआ है इस पूरे पूरे हरित लवक में, इस द्रव को क्या बोलते हैं आपके स्ट्रोमा। और इसका भी खुद का क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है, खुद का क्या होता है राइबोसोम होता है। तो ये भी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है और ये भी अंतः सहजीविता के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये भी आपको याद करना है। फिर है आपके ये दोहरी झिल्ली युक्त तो दोनों अंग हो गए, फिर हो गए आपके एकल झिल्ली युक्त अंग। तो अंतः प्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, अब एक होती है आपकी रफ और एक होती है आपकी स्मूथ। तो रफ क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, और स्मूथ क्या है, आपकी वसा का निर्माण करती है, वसा को स्टोर करती है, कोलेस्ट्रॉल को बनाती है आपके लिपिड। तो यहाँ पे देखो ये आपकी कोशिका, तो ये आपकी केंद्रक, अंदर इस तरीके से ये आपका केंद्रक और इस तरीके से आगे होगा। तो केंद्रक के चारों ओर एक तरफ की संरचना बनाई है, वैसे ये पूरी कोशिका इस तरीके से है। तो ये एक तरफ का स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें देखो अंदर की तरफ जिस पे ये छोटे छोटे पिगमेंट लगे हुए हैं, देखो ये क्या है, ये छोटे छोटे क्या है आपके राइबोसोम है। तो राइबोसोम की वजह से ये क्या खुरदरी टाइप दिखाई देती है, और जो बाहर की सतह है वो क्या ऐसी है आपकी स्मूथ, यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा, देखो यहाँ साफ एकदम, तो इस पर राइबोसोम नहीं है। तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन को बना सकता है। SER ये राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है, यानी ये वाला पार्ट, यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते। अब आपको पता है कि यहाँ पे राइबोसोम होंगे ही नहीं, जैसे ये जगह पे राइबोसोम नहीं देख रहे आप, लेकिन यहाँ देख रहे हैं डॉट 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 डॉट। तो राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती किसकी, राइबोसोम की। तो SER राइबोसोम के अनुपस्थित होते हैं यहाँ पे, और विभिन्न प्रकार के वसा का निर्माण करता है जिसमें आपके स्टेरॉयड और आपके कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। तो स्टेरॉयड भी क्या है, वसा का एक रूप है, और कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, वसा का एक रूप है। तो कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर में इकट्ठा हो जाता है तो बीमारी बन सकती है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण मुख्य रूप से यकृत की कोशिकाओं में होता है। यकृत का ER आपके डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, इस शब्द को समझो। डी का मतलब हटाना, टॉक्सिफिकेशन का मतलब जहर को यानी शरीर को विषाक्तता के प्रभाव से मुक्त करना।
तो यकृत की कोशिकाओं का ईआर, यानी कहाँ की कोशिकाओं का ईआर, यकृत की कोशिकाओं का ईआर, यानी हमारा जो लीवर है, लीवर के अंदर जो सेल पाई जाती है, और इस सेल का क्या आपके ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ की, यकृत की कोशिकाओं की ईआर, इसका काम क्या है, डी टॉक्सिफिकेशन, यानी कि शरीर से विषाक्त यानी कि जहरीले जो पदार्थ हैं उनके प्रभाव को हटाना, यानी उनके प्रभाव से हमारे शरीर की कोशिकाओं को मुक्त करना का कार्य भी करता है आपके ईआर। ईआर को हिंदी में आपके दे रखा है कि अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, ये कि कोशिका के अंदर एक पाइपलाइन सिस्टम होता है जो मैं आपको पार्ट वन में पढ़ा चुका हूँ, तो ये अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, कौन, आपके ईआर। अब आती है आपकी गॉल्जी बॉडी, कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग है ये कुछ ना कुछ स्त्राव करता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि केंद्रक, देखो यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा कि केंद्रक है, इस तरीके से आपने देखा कि केंद्रक है, और यहाँ पे गुणसूत्र है, इस तरीके से केंद्रक के बाहर वाली जो संरचनाएं हैं उनको हमने क्या देखा, ईआर। अब ईआर से भी क्या होता है, जैसे ये ईआर है तो इस ईआर में यहाँ पे बबल उठते हैं इस तरीके से, और बाद में ये हट जाते हैं, ये ऐसे इस तरीके से हट जाते हैं देखो, और ये हटके और इस तरीके से संरचना बनाते हैं, ये जुड़ जाते हैं आपस में, और इस संरचना के बाद में ये संरचना अंदर से ऐसे खुल जाती है यहाँ से, यानी ये पहले ऐसे थी लेकिन ये खुल गई है, तो ये खुलने से क्या है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। अब ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, गोल्जी काय। तो गोल्जी काय से ही किसका निर्माण होता है, आपके लाइसोसोम का, और लाइसोसोम में भरे होते हैं आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसको बोलते हैं आपके कि जल अपघटनीय पदार्थ। तो ये है आपके लाइसोसोम, और लाइसोसोम किससे बनता है, आपके गोल्जी बॉडी से। तो गोल्जी बॉडी का निर्माण किससे हुआ है, ईआर से, ठीक है, और ईआर किसके टच में थी, केंद्रक के, इस तरीके से। तो ये हुई आपकी गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य ईआर से प्राप्त हुए प्रोटीन। अब आपको पता है कि ईआर की दो फॉर्म थी, SER और एक थी आपके RER। तो जो RER थी, रफ, जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि इसका मुख्य कार्य किसका, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है कि ईआर से प्राप्त हुए प्रोटीन, अब प्रोटीन बनाया किसने, RER ने, से प्राप्त प्रोटीन का ये क्या करता है, संग्रहण करता है, और संग्रहण करने के बाद में ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है, स्त्रावण करता है, और उसका क्या करता है, पैकिंग भी करता है, किसकी पैकिंग कर रहा है, प्रोटीन की, प्रोटीन का संग्रहण कर रहा है ये, उसका स्त्रावण कर रहा है, और उसकी क्या कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन में आवश्यक बदलाव भी करता है। अब आपको पता है कि जंगल है, जंगल को आप मानो क्या, ईआर, जंगल में क्या बनी, लकड़ी, यानी कि जंगल में क्या थी, लकड़ी, वुड, क्योंकि जंगल में क्या होते हैं, वन। अब ईआर में क्या बनी आपके, प्रोटीन, कहाँ पे, RER में, यहाँ पे प्रोटीन बनी। अब इस प्रोटीन को डायरेक्टली कहीं भेजा नहीं जा सकता, जैसे प्रोटीन ऐसे बनी इस तरीके से, ऐसे ऐसे उड़ी हुई सी, लेकिन जहाँ जानी है वहाँ इस तरीके से जानी चाहिए प्रोटीन, ऐसे सुलझी हुई सी प्रोटीन जानी चाहिए, जहाँ भी जानी चाहिए इस तरीके से, और पैक वन होनी चाहिए इस तरीके से, पैकेट्स के रूप में। अब देखो जंगल में लकड़ी थी, लकड़ी को हमने काटा, और काट के हमने क्या किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन उसमें किया, और मॉडिफिकेशन करके हमने उसका क्या बनाया, टेबल बनाया।
तो टेबल ईआर में बना यानी कि जंगल में बना, या फिर उसको फर्नीचर की दुकान पे बनाया गया, उसको कारपेंटर फर्नीचर की दुकान पे बताया। तो यहाँ पे फर्नीचर की दुकान का काम कौन कर रहा है? आपके गोल्जी बोर्ड, यानी कि गोल्जी काय जो है वो कोशिका का कैसा अंग है? मॉडिफिकेशन करने वाला। लेकिन ये मॉडिफिकेशन किस में करेगा? प्रोटीन में। किस में करेगा? प्रोटीन में। तो प्रोटीन बनती कहाँ है? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जब बनती है तो ज़्यादा बने कम बने, कौन से टुकड़े को कहाँ जोड़ना है, कहाँ से हटाना है, पूरा जो फिनिशिंग देनी है प्रोटीन को, जो प्रोटीन की साफ सफाई करनी है, और प्रोटीन को पैक करके अच्छे से पैकेट बना के जहाँ भी कहीं एक्सपोर्ट करना है यानी आगे स्त्रावण करना है, भेजना है, वो सारा काम कौन करेगा? आपके गोल्जी काय। तो पादपों में गोल्जी काय का आकार क्या होता है? छोटा, और इसे आपके डिक्टियोसोम कहते हैं। पादपों में इसका एक और नाम होता है, वैसे तो गोल्जी बॉडी बोलते हैं, लेकिन पादपों में इसका एक और नाम होता है आपके डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम पादपों में इसको बोलते हैं। एंजाइम आर यानी कि एंजाइम, जैसे कि प्रोटीन से क्या बनने? एंजाइम बनने, तो वो बनाएगा कौन? आपके ये डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी काय का जो मुख्य यानी गोल्जी काय कोशिका का कैसा अंग है? मुख्य स्त्रावी अंग है। गोल्जी काय सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, इन सबको बना रहा कौन है? आपके गोल्जी बॉडी। अब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन आपने कहाँ पढ़े, याद करो अभी, कोशिका भित्ति में। यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसकी बनी होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, काइटीन, आपके पेप्टिडोग्लाइकन, आपके म्यूरामिक अम्ल, काइटीन, ये सब की क्या बनी होती है? आपकी कोशिका भित्ति। अब आता है आपके लाइसोसोम। लाइसोसोम पादपों में नहीं पाया जाता, WBC में सर्वाधिक पाया जाता है, हमेशा कोशिका के अंदर ही कार्य करता है, बाहर नहीं जाता। लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे हुई है? गोल्जी काय से। यानी कि गोल्जी काय को किसने बनाया है? ER ने। और गोल्जी काय ने फिर किसको बनाया है? लाइसोसोम। इसमें अत्यंत शक्तिशाली, जैसे लाइसोसोम इस तरीके से है, इसके अंदर जो भरे हुए हैं वो पाचक एंजाइम है, बहुत खतरनाक एंजाइम है इसके अंदर। तो इसमें अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका में मौजूद किसी भी जैविक पदार्थ का पाचन कर सकते हैं। अब ये कोशिका के अंदर है, कोशिका के बाहर कुछ पदार्थ भरे हुए हैं, और कोई पदार्थ जिसको पचाना जरूरी है, ये किसी भी एंजाइम को बाहर भेज के उसको पचा सकता है। कभी कभी ये पूरी कोशिका को ही पचा लेता है, यानी इतने ज़्यादा इसके अंदर पदार्थ है कि अगर बाहर आ जाए तो पूरी कोशिका को ही खा जाएगा, इस तरीके से कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। किसकी? कोशिका की। ये कोशिका को ही ख़त्म कर देगा तो ये तो सुसाइड बैग हो गया ना भाई। और मैं आपको बात बताऊं कि अगर ये जिस कोशिका में ये रह रहा है, अगर ये उस कोशिका को ही ख़त्म कर देगा तो ये तो आपके सुसाइड क्या हो गया? बैग हो गया, सुसाइड करवा दिया कोशिका को। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं या सुसाइड बैग बोलते हैं। किसको? लाइसोसोम को। तो ये आपके जैसे कोशिका वृद्ध हो गई, कोशिका बूढ़ी हो गई या ख़राब हो गई, या किसी वजह से किसी बैक्टीरिया का अटैक हो गया, इन्फेक्शन हो गया कोशिका में, तो कोशिका जब हमारे शरीर को खतरा उत्पन्न करती है तो ऐसी कोशिका को लाइसोसोम क्या करता है? ख़त्म कर देता है। लाइसोसोम की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आपकी WBC में पाई जाती है। तो लाइसोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? WBC में। WBC हमारे, मैंने आपको बताया था क्लास में, कि रोगों से लड़ने के लिए होती है, और हमारे शरीर का WBC क्या होती है? पुलिसमैन। ये पढ़ा चुका हूँ क्लास में मैं आपको। अब है आपके नेक्स्ट कि पादपों में लाइसोसोम सामान्यतः क्या होते हैं? आपके अनुपस्थित। कोशिका की स्वाभाविक मृत्यु का कारण सूत्रकणिका होती है, यानी आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका मृत्यु को प्रेरित करता है, जिसे एपोप्टोसिस बोलते हैं।
एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि कोशिका आपके मृत्यु को चुनती है, यानी कोशिका के पास ऑप्शन होता है या मरना है या जीना है। तो जब कोशिका स्वयं खत्म होती है तो इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, आपके एपोप्टोसिस। अब है आपके राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है, ये झिल्ली रहित संरचना है, यानी कि जितने भी आपने जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो भी अंग देखे हैं, जैसे ये कोशिका है इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें भी झिल्ली है, इसके अलावा आपने जैसे कि प्लास्टिड देखा तो इसमें भी झिल्ली है, आपने लाइसोसोम देखा इसमें भी झिल्ली है, इसके अलावा आपने गोल्जी बॉडी देखी उसमें भी झिल्ली है, केंद्रक में झिल्ली है, सब जगह झिल्ली है, लेकिन राइबोसोम ऐसे जीव द्रव के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर वैसे ही बिखरे पड़े हैं। तो राइबोसोम आपने देखा कि आपके जो ईआर है, कौन सी ईआर, आरईआर, तो वो जो ईआर है उस ईआर पे राइबोसोम इस तरीके से लगे हुए हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से। तो राइबोसोम झिल्ली रहित अंग है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का, निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। रासायनिक संगठन राइबोसोम आरएनए प्लस किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, आरआरएनए को ही क्या बोलते हैं, राइबोसोम आरएनए। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि आरएनपी पार्टिकल भी इसको बोलते हैं। अब राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं राइबोसोम आपके, एक होता है राइबोसोम आपके 80S प्रकार का और एक होता है आपके 70S प्रकार का। तो 80S प्रकार के में भी क्या दो यूनिट होती है, जैसे राइबोसोम ये पूरा ये राइबोसोम है, पर इसका ऊपर का जो भाग है वो तो बना हुआ है 40S से और नीचे का भाग बना हुआ है किससे, आपके 60S से। तो ऐसे तो आप कहोगे सर 80 गलत लिख दिया, 100 लिखना चाहिए था, पर ये 40 का 60 का कुछ भाग क्या मिक्स होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बच जाता है आपके 60 की जगह 40 और ऊपर 40 की जगह कितना बच जाता है 20, तो कुल मिला के 20 नहीं बचता आपके, नीचे 40 बचेगा तो ऊपर भी 40 मान सकते हो, तो आपके 80 होता है। तो सभी जंतुओं में पादप कोशिकाओं में किसमें, जो विकसित कोशिकाएं हैं यूकेरियोटिक, उनमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। फिर है आपकी छोटी 70S, तो इसमें भी क्या है यूनिट है आपकी, तो ये एस क्या है आपके स्वेदन वर्ग यूनिट है, सेडी आपके मेंटेशन की दर है जो उसको मापता है। तो ये 70S प्रकार का पाया जाता है जीवाणु में, नील हरित जो शैवाल है उसमें और माइको प्लाज्मा में। तो नील हरित शैवाल, जीवाणु और माइको प्लाज्मा ये क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है, सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हैं आपके, और ये किसके आपके हैं यूकेरियोटिक, यानी कि अच्छी कोशिका के एग्जाम्पल है जो पूरी तरीके से डेवलप है। राइबोसोम का कार्य समझ में आई है आपको। अब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपके 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम mRNA से आनुवंशिक सूचनाएं प्राप्त करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इस सूचना को प्राप्त करने को क्या कहते हैं आपके, ट्रांसलेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं आपके अनुवादन। अब है आपके सेंट्रोसोम या फिर इसको बोलते हैं आपके सेंट्रियोल्स। तो ये एक झिल्ली रहित संरचना है, इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय होता है। ये सभी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में भी केवल शैवालों में पाया जाता है, निम्न पादपों में पाया जाता है जैसे शैवाल में। रासायनिक संगठन में संरचना कैसे होती है, इसमें देखो दो प्रोटीन होती है, जो मेन प्रोटीन है वो है आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइबर होते हैं इसमें, तो 9+0 की संरचना होती है इसकी। देखो इसमें ऐसी साइकिल होती है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे पुरानी बैलगाड़ियों का जो पहिया होता था और उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होते थे, तो ये बैलगाड़ी के पहिए जैसा स्ट्रक्चर होता है किसका, आपके सेंट्रोसोम का, या फिर इसको बोलते हैं आपके सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम की संरचना 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन फाइबर्स यानी कि परिधि में पाए जाते हैं, जबकि केंद्र में फाइबर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यहाँ केंद्र में यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं। तो 9 बाहर है, अंदर कुछ नहीं, तो 0, तो 9+0 की संरचना को बोलते हैं आपके सेंट्रोसोम, ठीक है। अब एक होता है आपके 9+2 की संरचना, यानी कि सीलिया
और फ्लैजिला। तो आपको पता है कि सीलिया और फ्लैजिला के अंदर भी कौन सी प्रोटीन होती है, आपके ट्यूबलिन। लेकिन आपने पैरामीशियम देखा होगा, नहीं देखा तो अभी किताब में बताएंगे आपको कि पैरामीशियम जंतु है जिसके चारों तरफ, एक जंतु इस तरीके से, उस जंतु के चारों तरफ ऐसे धागे रूप में संरचना है। इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, आपके सीलिया। और ऐसे ही जैसे बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया में इस तरीके से एक धागे रूप में संरचना निकलती है, उसको बोलते हैं आपके फ्लैजिला। ठीक है, तो ये संरचनाएं क्या है कि इनको गति करने में सहायता करता है, गति में। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि नौ तो बाहर की तरफ इस तरीके से, नौ तो बाहर की तरफ इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और दो अंदर की तरफ, तो इसको बोलते हैं 9+2 संरचना। तो ये व्यवस्था पाई जाती है किसके अंदर, आपके सीलिया जो पैरामीशियम में पाए जाते हैं, फ्लैजिला जो आपके इसमें पाए जाते हैं, आपके बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, इनमें ये संरचनाएँ पाई जाती हैं। अब है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट केंद्रक। ये भी दोहरी झिल्ली युक्त आपके कोशिकांग है। तो दोहरी झिल्ली युक्त तो आप देख रहे हो, अंदर बाहर की दो झिल्लियाँ, केंद्रक का ये केंद्रक पोर, केंद्रक छिद्र, और अंदर आपको दिख रहा है क्रोमेटिन पदार्थ ये इस तरीके से, और केंद्रिका, यहाँ राइबोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। कहाँ पे, केंद्रिका में, यहाँ बनता है राइबोसोम, और अंदर जो भरा हुआ द्रव है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव। यानी कि आपके केंद्रक द्रव प्लस इसमें कौन सा द्रव और मिला दो आप, इसमें एक द्रव और मिला दो, कौन सा आप, प्लाज्मा या कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। अब इन दोनों द्रवों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, जीव द्रव। और आप कोशिका द्रव से केंद्रक द्रव अलग कर दो तो ओनली आपको कौन सा, प्लाज्मा द्रव, इस तरीके से कह सकते हैं। फिर आपके गुणसूत्र जो इसके अंदर पाए जाते हैं आपके, कि क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड से आपके गुणसूत्र बनेगा पूरा, आपके सेंट्रोमियर वगैरह जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं गुणसूत्र को, सेंट्रोमियर जो किनारों को था उसको बोलते हैं टेल, पूंछ, टेलोमियर। तो किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जैसे मानव प्रजाति में 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़ी। अब जोड़ी का मतलब तो जानते ही हो, एक जोड़ी का मतलब क्या होता है, दो, क्या होता है, दो। अरे चप्पल की एक जोड़ी खरीदते हो तो एक चप्पल आती है, दो आती है उसमें, दो आती है। तो 23 जोड़ी का मतलब क्या होगा, टोटल गुणसूत्र कितने हुए, दुगुणे, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं एक कोशिका में। तो मटर के पौधे में कितने होते हैं, 7, और फ्रूट फ्लाई उसमें कितने पेयर होते हैं आपके, 4। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी, और जोड़ी को अगर कुल संख्या में लिखें तो कितने गुणसूत्र, 46। अब है आपका कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन दो प्रकार का है आपके, एक तो है आपके समसूत्री और एक है आपके अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो समसूत्री कोशिका विभाजन हमारी उन कोशिकाओं में चलता है जो हमारी वृद्धि करती है, जैसे हम बचपन से अब तक बड़े हो रहे हो तुम लोग, 9th क्लास के स्टूडेंट, और हमारा विकास चलता रहता है, भ्रूण का विकास चलता है माँ के पेट में, चाहे वो कुछ भी हो, और पुनर्भवन यानी पुनर्उद्भवन आपके जो होता है, पुनरुद्भवन। तो जहाँ पे शरीर में कुछ निर्माण करना है, शरीर की वृद्धि करनी, विकास करना है, वहाँ पे कैसा विभाजन चलेगा, आपके समसूत्री, आपके माइटोसिस। तो 23 पेयर, तो ये 23 ही बनेंगे दोबारा, यानी कि यहाँ पे अगर गुणसूत्र 46 है तो जो बनने वाली दोनों कोशिकाएं उसमें गुणसूत्र कितने होंगे, 46 होंगे। तो DNA रेप्लिकेट होगा, डुप्लीकेशन होगा, प्रतिकृति बनेगी। तो समसूत्री विभाजन के लिए बोला है कि इसमें कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर ही होती है, मातृ कोशिका के बराबर। लेकिन अब दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है ये। तो आपके मियोसिस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइटोसिस। तो यहाँ पे 23 जोड़ी गुणसूत्र है, तो इससे 4 कोशिकाएँ बनी, यहाँ पे कितनी बनी, 2। तो यहाँ पे 46 गुणसूत्र है, तो 4 कोशिकाओं में 23, 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
जनन कोशिकाओं में। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर चार कोशिकाओं का निर्माण करती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। अब देखो यहाँ पे टोटल गुणसूत्र कितने 46, जबकि यहाँ पे गुणसूत्र कितने 23, 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
21 और 23 आदि हो। तो प्रत्येक कोशिका विभाजन के ठीक पहले आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो जाती है, यानी कि आपके आनुवंशिक पदार्थ क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि विकास भ्रूण विकास या आपके पुनरुद्भवन या घाव के भरने आदि के लिए जिम्मेदार है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिससे आपके अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु कोशिका ही मिलकर आगे जनन की क्रिया कंप्लीट करती हैं आपके। अब है कोशिका विभाजन के चरण, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर फिर भी बता रहा हूँ आपके। एक होता है आपके इंटरफेज, जिसे विश्राम अवस्था कहते हैं आपके, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चलता है। फिर आपके आता है आपके कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन, जिसमें आपके प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज, ये इस तरीके से आपके नाम आते हैं कोशिका विभाजन की प्रावस्थाओं के। तो PMAT शॉर्ट में बोलते हैं। तो उसके बाद में क्या है आपके आता है साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव का विभाजन। तो इंटरफेज में दो विभाजन के बीच की अवस्था होती है इंटरफेज। इंटरफेज एस यानी सिंथेसिस में डीएनए की प्रतिकृति रेप्लिकेशन होता है। गुणसूत्रों का निर्माण कोशिका विभाजन के साथ ही क्रोमेटिन पदार्थ की कॉइलिंग भी होती है, पैकेजिंग होती है डीएनए की। और फिर है आपका कि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। कौन सी अवस्था में, मेटाफेज में। मियोसिस के प्रोफेज चरण में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, कुछ गुणसूत्र क्या है अपना जीन एक्सचेंज करते हैं क्रॉसिंग ओवर में, जिसके द्वारा आनुवंशिक फेरबदल होता है तथा अंडाणु और शुक्राणु अलग अलग आनुवंशिक जीन के साथ भ्रूण के साथ बनते हैं। तो ये हो गया आपकी कोशिका विभाजन। अब है आपका कि 23 जो पेयर है, पेयर का मतलब होता है जोड़ी। तो कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं हमारे, 22 पेयर। 22 पेयर का मतलब जस्ट डबल। कितना है आपके ऑटोसोम गुणसूत्र आपके शरीर में, कितने हैं, 44। और लैंगिक गुणसूत्र जो आपके लैंग क्रियाओं में यानी कि जनन क्रियाओं में भाग लेते हैं, उनको बोलते हैं आपके एलोसोम या फिर उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये कितना है आपके, ओनली एक। एक पेयर का मतलब दो गुणसूत्र। तो महिलाओं में तो होते हैं एक्स और एक्स, और पुरुषों में होते हैं एक्स और वाई। तो अगर कोई पुरुष है तो उसमें 22 पेयर तो दोनों में समान होगा, लेकिन पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होगा, एक अलग से एक्स और वाई, और महिला में क्या होगा, एक्स और एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुणसूत्र आपके होते हैं। तो सपोज करो कि 22 पेयर नर के, अब इसमें से दोनों शुक्राणु में से एक शुक्राणु में एक्स है, दूसरे में वाई है। यहाँ पे भी 22 पेयर है तो 22 प्लस एक्स, और दूसरा भी क्या रहेगा आपके 22 प्लस एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर एक्स को एक्स से मिलाया तो क्या बनेगी, फीमेल यानी पुत्री उत्पन्न होगी। और अगर पुरुष के गुणसूत्र में वाई गुणसूत्र हुआ तो इधर से तो एक्स ही आना है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके मेल जायगोट के अंदर, युगनज के अंदर। तो लिंग का निर्धारण निषेचन के समय होता है, और लिंग निर्धारण किससे होते हैं आपके, नर के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं कि फीमेल यानी कि पुत्री का जन्म होगा या मेल या पुत्र का जन्म होगा। फिर है आपके ट्विंस कैसे पैदा हो जाते हैं, यानी जुड़वा बच्चे, मोनोजाइगोटिक ट्यून्स और डाईजाइगोटिक ट्यून्स, समान जुड़वा और असमान जुड़वा। अब जैसे शुक्राणु और अंडाणु हैं, दोनों निश्चित हुए और एक युग्मनज बना, और युग्मनज से क्या हुआ कि एक युग्मनज में दो विभाजन हो गए, तो एक से दो हो गए, दो युग्मनज बन गए इस तरीके से। तो दोनों से क्या है कि समान बच्चे, ऐसे जुड़वा बच्चा समान आनुवंशिक और शारीरिक लक्षण वाले होंगे, इन्हें क्लोन कहा जा सकता है। ये आपके सिमोस ट्यून्स यानी कि आपके समान ट्यून्स या मोनोजाइगोटिक ट्यून्स कहलाते हैं आपके। फिर इसमें क्या होता है डाईजाइगोटिक में असमान जुड़वा, कि एक तरफ से देखो कि नर के तो वही शुक्राणु 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 मिले, और अंडाणु कितने हो गए, दो हो गए, महिला की तरफ से दो अंडाणु आ गए, तो दोनों अलग अलग गए, महिला की तरफ से तो एक्स एक्स ही आना है, लेकिन एक पुरुष की तरफ से गया यानी कि एक में गया वाई और एक में गया एक्स, तो एक हो सकता है आपके कि निषेचन और युग्मनज भी दो दो होंगे, तो इन्हीं जुड़वा ये भी जुड़वा ही कहलाएंगे, पर ये माँ के गर्भ में एक साथ भ्रूणीय विकास प्रक्रिया से गुजरते हैं, और आनुवंशिक समानता उतनी होती है जितनी दो भाइयों या दो बहनों में या दो भाई बहनों में हो सकती है, लेकिन एक भाई और एक बहन हो सकते हैं या दोनों भाई या दोनों बहनें भी ये हो सकती है, ये जुड़वा का मामला है।
अब है आपके कि कोशिका का प्रकार। तो कोशिका का जो प्रकार है वो है आपके कि कोशिका दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें होती है? जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। और यूकैरियोटिक कोशिका अन्य सभी पादप जंतुओं की, इनको छोड़ के। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति है बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, फ्लैजिला भी है जो मैं भी बता रहा था आपको 9+2 की व्यवस्था का, प्लाज्मिड एक डीएनए का प्रकार है आपके, राइबोसोम भी है 70S प्रकार का, मीजोसोम से जो आपके रेस्पायरेशन के लिए काम देते हैं आपके, और मूल आनुवंशिक पदार्थ भी इसमें होता है। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती जिसके कारण इनका डीएनए क्या नहीं होता, पैक नहीं होता। मीजोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है तो केंद्रक विकसित या अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। इस कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की झिल्ली युक्त संरचना नहीं पाई जाती। इसमें केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम आदि सारे क्या होते हैं आपके, अनुपस्थित होते हैं, यानी कि ये चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। इसका आनुवंशिक पदार्थ गोलाकार डीएनए के रूप में पाया जाता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है और इसे एक गुणसूत्र कहा जा सकता है। इसमें राइबोसोम 17S प्रकार का होता है और विभाजन इसमें असमसूत्री ए माइटोसिस, यानी कि ये जो बैक्टीरिया वो यहाँ से विभाजित हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, इस तरीके से इसका विभाजन हो जाता है। फिर है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका। फिर है कि जीवाणु का जो उपयोग है वो खाद्य परिसंस्करण के उद्योग में होता है। परिसंस्करण के उद्योग में जैसे दही जमाने में लैक्टोबैसिलस, चीज, सिरका, एल्कोहल का किरमण यानी कि आपका फर्मेंटेशन। राइजोबियम जीवाणु दलहन की जड़ों में पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है आपके, कौन सा, राइजोबियम जीवाणु। जीवाणु के द्वारा कई प्रकार के एंटीबायोटिक व मानव उपयोगी प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। मानव के शरीर में कई मित्र जीवाणु या सहजीवी जीवाणु, सिम्बायोटिक जीवाणु रहते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर। पाचन तंत्र में मौजूद मित्र जीवाणु प्रतिरक्षा प्रणाली व पाचन प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखते हैं। एंटीबायोटिक के प्रयोग से मित्र जीवाणु व शत्रु जीवाणु दोनों नष्ट हो जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य या मित्र जीवाणु की संख्या बढ़ाते हैं आपके। मित्र जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिससे हमारे मित्र जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे दही का। तो ये आपके जो है सिलेबस में नहीं है लेकिन ये आपको उतारने हैं क्योंकि ये आपके आगे चल के काम आएंगे। फिर आपके प्रीबायोटिक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो मित्र जीवाणु की वृद्धि व विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करते हैं, जैसे सब्जी में, फलों में पाए जाने वाले, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल की कई प्रजातियाँ प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है आपके। फिर है आपके स्ट्रक्चर वाली बात कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, जैविक संगठन। देखो सबसे पहले मैं बात बताऊँ आपको कि इस दुनिया में हम एटम पढ़ते हैं। एटम भी किसका बना? आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है आपका। एटम से किसका निर्माण हुआ है? मॉलिक्यूल का, यानी परमाणु, परमाणु से अणु, और अणु से क्या बने? यौगिक, आपके बायो मॉलिक्यूल्स, जैविक पदार्थ, और जैविक पदार्थों से क्या बनी है? कोशिका। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं अभी कोशिका। कोशिकाएँ बहुत सारी मिलके क्या बनाएंगी? आपके टिश्यू, ऊतक, और ऊतक बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे? अंग, ऑर्गन, और ऑर्गन बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे? अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारा मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी, और प्राणी जब इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगी? जनसंख्या, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जब इकट्ठी होगी तो क्या बनेगी? कम्युनिटी, समष्टि, और समष्टि जब इकट्ठी होगी तो क्या बनेगा? आपका पारितंत्र, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम क्या बनाएगा? बायोम, और बायोम से क्या बनेगा? आपके बायोस्फीयर्स यानी कि पृथ्वी। तो इस तरीके से ये आपके केमिकल संगठन है। यहाँ तक सारी चीज़ें कैसी है? निर्जीव है। फिर यहाँ से चीज़ें क्या होने लगी? सजीव, और यहाँ तक सजीव। ये हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारा इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम वातावरण में देखते हैं, ये हम हमारे शरीर में देखते हैं, और ये भी वातावरण में निर्जीव। तो ये सारे पदार्थ कैसे हैं? केमिकल निर्जीव है, ये सजीव है और ये सजीव है आपके। तो इस तरीके से आपकी कोशिका ख़त्म है अब, और इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा
उत्तक, उत्तक की उत्पत्ति, संरचना और उसके कार्य। तो उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है, यानी उत्तक किससे बना हुआ है, आपके कोशिकाओं से। जैसे कि एक कोशिका, दो कोशिका, तीन, चार, पांच, ऐसे बिखरी हुई है ये सब कोशिकाएं इस तरीके से, और इनको अगर एक ही जगह इस तरीके से पैक कर दें ऐसे, तो इसमें हजारों, जैसे ये 1000 कोशिकाएं हैं पर ये अलग अलग है, और यहाँ पे 1,00,000 कोशिकाएं मैंने भर दी, एक ही जगह भर दी इस तरीके से, तो इसको क्या कहोगे, उत्तक। तो उत्तक कोशिकाओं का समूह है जो कि उत्पत्ति और संरचना और कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं, समान होते हैं। और उत्तक कितने प्रकार के होंगे वो हम देखेंगे, एक तो जंतु उत्तक और एक आपके पादप उत्तक। तो जंतुओं में जो उत्तक पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके उपकला उत्तक, यानी आपके एपिथेलियल टिश्यू जो आपके त्वचा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर आपके कनेक्टिव टिश्यू जो आपका ब्लड है, फिर आपके मस्कुलर यानी कि मसल्स टिश्यू जो आपकी मांसपेशियाँ हैं, और आपके नर्वस टिश्यू जो आपकी तंत्रिका तंत्र। तो एनिमल जो टिश्यू वो 4 प्रकार का है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।